हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपका एजुकेटर नेहा सैनी। तो कल हमने ये जो एक्टिविटी है जिसमें हमने टेस्ट किया था पोटैटो का, और उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से बूझो ने इस एक्टिविटी के थ्रू ये पाया कि जो केमिकल्स हैं वो क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड होता है तो उस टाइम पे केमिकल्स के अंदर भी चेंजेस आते हैं। तो ये एक्टिविटी हम कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। अब आज का जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? यू नो दैट ए ब्रांड न्यू साइकिल है शाइनी हैंडल बार एंड व्हील रिम्स। आपने जब नई नई साइकिल देखते होंगे तो नई नई साइकिल बिल्कुल चमकती हुई साइकिल होती है, उसके शाइनी हैंडल बार्स होते हैं, ऊपर के जो हैंडल होते हैं वो शाइनी होते हैं, नीचे के जो टायर का जो व्हील रिम्स होते हैं जिसके अंदर बेसिकली जिसके ऊपर आपका रबड़ का टायर चढ़ता है, उसके नीचे जो वाला पोर्शन होता है, रिम्स जो होते हैं वो भी बिल्कुल चमक रहे होते हैं, ठीक है। हाउ एवर इफ़ दे आर एक्सीडेंटली स्क्रैच, अगर बाय चांस ये एक्सीडेंटली वो स्क्रैच हो जाए तो इनकी जो शाइनी कोटिंग है वो बाहर निकल जाती है और उनकी सरफेस इतनी शाइनी नहीं रहती है। यू माइट हैव ऑल्सो सीन वुमेंस यूजिंग ऑर्नामेंट्स। आपने बहुत सारी वुमेंस को ऑर्नामेंट्स पहनते हुए भी देखा होगा, और कुछ जो होते हैं वो दिखने में तो गोल्ड के होते हैं बट वो गोल्ड के नहीं होते हैं, ठीक है। हाउ एवर विद रिपीटिंग यूज़, अगर उन ऑर्नामेंट्स को हम रिपीटिवली यूज़ करें तो उनकी भी चमक या उनकी जो कोटिंग है वो निकलने लगती है, और उसके नीचे का जो मेटल है या है, चाहे वो सोने का है, सॉरी चाहे वो लोहे का है, चाहे वो सिल्वर का है, वो मेटल जो है वो दिखने लगता है, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा ना कि सोने का पानी फिरवा रखा है इस ऑर्नामेंट पे या इस चैन पे, हमने सोने का पानी फिरवा रखा है, सोने की चैन नहीं है। तो बेसिकली ये क्या है, ये जो ऊपर कोटिंग की है, ऑब्जेक्ट तो किसी और चीज़ का बना हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कोटिंग किसकी हो गई है, गोल्ड की कोटिंग हो गई है। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। अभी इसको हम डिस्कस भी करेंगे। इन बोथ दीज केसेस ए मेटल हैज़ ए कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। तो आपने यहाँ पे देखा कि इन केसेस में आपने क्या देखा कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग है। डू यू वंडर हाउ ए लेयर ऑफ वन मेटल कैन डिपॉजिट ऑन टॉप ऑफ अनदर। क्या आपको पता है कि किस तरह से ये जो एक लेयर है वो दूसरी लेयर के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है? वेल लेट अस डूइंग इट आवर सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कॉपर सल्फेट और दो कॉपर की प्लेट जिनका साइज़ होना चाहिए 10 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ब्रेथ कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल वाटर इन ए क्लीन एंड ड्राई बीकर। तो आपको क्या ले लेना है, 250 ml लेना है डिस्टिल वाटर को एक क्लीन एंड ड्राई बीकर के अंदर, और डिजोल्व करनी है 2 tablespoons ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो होता है वो दिखने में ब्लू इन कलर होता है, ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं, अगर आपने अपनी लैब में देखा है तो ठीक है, वरना ऐसे लैब्स में आपके मिल जाएगा कॉपर सल्फेट, वरना केमिस्ट की शॉप पर भी आपको मिल सकता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट। अब जो वाटर है उसके अंदर आपको 2 tablespoons क्या मिला देना है, कॉपर सल्फेट मिला देना है, और कुछ बूंदें मिलानी है आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। अब सल्फ्यूरिक एसिड जैसे यहाँ पे डाइल्यूट लिखा है क्योंकि चीज़ें जो होती है एक तो डाइल्यूटेड होती है, कंसनट्रेटेड होती है। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप शैम्पू को देख लीजिए, ठीक है, शैम्पू जो आता है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, आप उसमें थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, उसको घोलते हैं, फिर बालों पे लगाते हैं, तो वो क्या लगा रहे हैं, आप कौन सा फॉर्म यूज़ करें, डाइल्यूटेड फॉर्म आप उसकी यूज़ करें डायरेक्टली। इसलिए शैम्पू जो है वो कभी भी बालों पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंसनट्रेटेड फॉर्म किसी भी चीज़ की यूज़ करते हो तो ज़्यादा नुकसानदायक होती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं गाढ़ी होती है, ठीक है। कंसनट्रेटेड का मतलब है गाढ़ा, और डायल्यूटेड का मतलब बेसिकली हो गया है हल्का होना, ठीक है। तो जब हम उस शैम्पू के अंदर पानी मिला देंगे, उस कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर पानी मिला देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कंसनट्रेटेड, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड्स भी होते हैं, तो वो डाइल्यूटेड फॉर्म में हम लेंगे जो कि कॉपर सल्फेट के अंदर हम मिलाएंगे उसकी कुछ बूंदें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्लीन कॉपर प्लेट्स विद सैंड पेपर, जो कॉपर प्लेट्स हैं, ये जो कॉपर प्लेट्स हैं, इनको आपको क्या कर लेना है, सैंड पेपर से अच्छे से क्लीन कर लेना है। एंड कनेक्ट द कॉपर प्लेट टू द टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड इमर्ज देम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इनको क्या करना है, आपको बैटरी से कनेक्ट करके ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जो कि ब्लू इन कलर है, इसके अंदर आपको इन दोनों रोड्स को रख देना है, ठीक है, सॉरी प्लेट्स को रख देना है कनेक्ट करके।
अलाउ द करंट टू पास अबाउट 15 मिनट, तो आपको फिर करंट को पास होने देना है 15 मिनट के लिए, इसे ऐसे छोड़ देना है। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन, अब आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रोड्स को रिमूव करना है सॉल्यूशन से और उनको अच्छे से देखना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम, डू यू फाइंड ए कोटिंग ओवर, वॉट कलर इज कोटिंग, वॉट कलर इज द कोटिंग, नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विद विच दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ क्वेश्चन उठे हैं, वो क्या है कि भैया आपने कोई चेंजेस देखा इसके ऊपर, प्लेटिंग के ऊपर? हाँ जी, हमने एक चेंज देखा है। क्या चेंज देखा है, जब आप इसको रिमूव करोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, आपने कॉपर सल्फेट डाला है। ठीक है, तो कॉपर जो होता है और सल्फेट जो ब्रेक डाउन होगा, तो कॉपर जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज देगा और सल्फेट जो है वो नेगेटिव चार्ज देगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, ये किस कहाँ, जो नेगेटिव टर्मिनल है, जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव जो प्लेट है जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, वहाँ पर जाकर के क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि कॉपर खुद में क्या है, पॉजिटिव है, तो वो कहाँ डिपॉजिट होगा जाकर के, वो नेगेटिव की साइड जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। तो आपको जो दूसरी प्लेट है, जो ये नेगेटिव टर्मिनल वाली जो प्लेट है, इस पर आपको क्या दिखाई देगा, इस पर आपको कॉपर सल्फेट की जो कॉपर है उसकी क्लोटिंग आप सॉरी कोटिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जो कि ब्राउनिश इन कलर होगी। ठीक है, आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी, पहले इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड एंड रिपीटेड द एक्टिविटी, वॉट डू यू थिंक शी वुड ऑब्जर्व दिस टाइम। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी करने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रोड्स को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, और रिपीट किया इस एक्सपेरिमेंट को, तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर भी आपको जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पे कॉपर जो है वो डिपॉजिट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को एक्सचेंज कर दिया है, तो अगर ये मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव था, तो ये एक्सचेंज हो गए, तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव, तो इस बार क्या कहाँ दिखाई देगा, जहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पर कॉपर की जो है डिपोजिशन वो दिखाई देगी। ठीक है, When electrical current is passed through the copper sulfate solution, the copper sulfate dissociate into copper and sulfate. तो जब electrical current जो है वो pass होता है copper sulfate solution से, तो copper sulfate dissociate होता है copper and sulfate के अंदर, जो free copper है वो gets down the electrode connected to the negative terminal of the battery. ठीक है, वो कहाँ deposit हो जाता है, जा करके negative terminal पे battery के। But what about the loss of copper from this solution? लेकिन क्या कहना है कि जो नुकसान हो रहा है copper का सोल्यूशन के अंदर, सो जो दूसरी इलेक्ट्रोड है कॉपर प्लेट, इक्वल अमाउंट में कॉपर गेट डिजोल्व इन दी सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो दूसरी इलेक्ट्रोड है उस पे से क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट वहाँ जाकर के डिपॉजिट हो जा रहा है। ठीक है, जो कॉपर सल्फेट वहाँ जाकर के डिपॉजिट हो जा रहा है, फिर जो दूसरी प्लेट है उसकी वजह, वो जो दूसरी प्लेट है उसमें से क्या मिल रहा है, इक्वल अमाउंट में कॉपर जो है वो डिजोल्व हो जा रहा है सोल्यूशन के अंदर। दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड बाय द प्रोसेस कॉन्टिन्यूस, तो जो लॉस हो रहा है कॉपर का, यानी कि जो कॉपर वहाँ जाके डिपॉजिट हो जा रहा है, वो एक्यूमुलेट हो जा रहा है किसके द्वारा, ये जो सॉल्यूशन में जो कॉपर आ रही है कॉपर प्लेट से। ठीक है, दिस मीन्स द कॉपर गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनादर, तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉपर है वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के पास जा सकती है। बूजो कुड गेट ओनली वन कॉपर प्लेट, बूजो को एक ही कॉपर प्लेट मिली, सो ही परफॉर्म एक्टिविटी 14.7 बाय कनेक्टिंग ए कार्बन रोड इन प्लेस ऑफ कॉपर प्लेट, वॉट वॉज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ही सक्सीड इन ऑप्टेनिंग ए कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन कार्बन रोड। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो बूजो है उसको सिर्फ एक ही कॉपर प्लेट मिली, तो उसने क्या किया, उसने ये एक्टिविटी परफॉर्म की किसके साथ, कार्बन रोड के साथ, जो अभी आपके ऊपर हमने की थी उसके साथ, तो उस पर भी उन्होंने देखा कि जो कार्बन की रोड थी उस पर भी क्या हो गया, कॉपर की कोटिंग चढ़ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक मेटल दूसरे मेटल पे क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और इसी डिपोजिशन को, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, कि डिपोजिशन हो जाना लेयर का किसी भी डिजायर मटेरियल के ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोवर्ड क्यों आया है, क्योंकि हम इसमें किसका यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से
यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डेफिनेशन है आपकी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जो शो कर रही है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वेरी यूजफुल प्रोसेस। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोसेस होता है, वाइडली यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री और फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट विद ए थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं उनके ऊपर क्या करने के लिए, कोटिंग करने के लिए, जैसे सिल्वर की कोटिंग चढ़ाने के लिए, गोल्ड की कोटिंग चढ़ाने के लिए इस मेथड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टीज विच द मेटल ऑफ ऑब्जेक्ट लैक्स। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज होती है जो कि अंदर वाले मैटर के पास नहीं होती है। मतलब कि मान लो अगर हमने कोई चीज़ सिल्वर की ली है, ठीक है, और ये गोल्ड है, गोल्ड क्या है, ज़्यादा शाइन कर रहा है, तो सिल्वर के ऊपर हम गोल्ड की प्लेटिंग कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, उस जो गोल्ड गोल्ड है वो क्या है, वो और ज़्यादा चमकीला है, तो उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है सिल्वर से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है सही। क्रोमियम प्लेटिंग इज़ डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पे क्रोमियम प्लेटिंग जो है वो की जाती है। जैसे कि आपके कार पार्ट्स हो गए, कार के जितने भी पार्ट्स हैं, बाथ टब्स होंगे जो आपकी टंकियाँ होती हैं उनके ऊपर, ठीक है, किचन के गैस हो, गैस के बर्नर्स हो गए, उनके ऊपर भी क्या की जाती है, कॉपर की प्लेटिंग की जाती है, क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है, सॉरी, ठीक है। बाइसिकल हो गई, हैंडल बार्स हो गए, व्हील के रिम्स हो गए, तो इन सभी पे क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है, क्योंकि क्रोमियम जैसे कि आप सभी जानते हैं बहुत शाइनी है, लेकिन इसके साथ साथ ही ये क्या होता है, शाइनी होता है और कोरोइड बिल्कुल, यानी कि इसमें जंग नहीं लगता है और रजिस्ट रहता है स्क्रैचेस के लिए भी। लेकिन इसके साथ साथ ही क्रोमियम जो होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। इस वजह से क्या होता है, ये इकोनॉमिकल नहीं है कि हम पूरा का पूरा सामान जो है वो क्रोमियम का ही बनवा लें, ठीक है, ये बिल्कुल भी हमारे बजट्स में नहीं होता है। सो द ऑब्जेक्ट इज़ मेड फ्रॉम ए चीपर मेटल, इसलिए हम ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, चीपर मेटल का बनवा लेते हैं और उसके ऊपर जो प्लेटिंग है वो किसकी करवा लेते हैं, क्रोमियम की प्लेटिंग करवा लेते हैं, ठीक है, जिससे जो उस मेटल की प्रॉपर्टीज़ है वो हमें मिलती रहे कि वो शाइनी है, उसकी वजह से स्क्रैच नहीं आएंगे हमारे टंकी पर या बर्नर पर, ठीक है, और अच्छा लगेगा देखने में भी, शाइनी शाइनी लगेगा इसलिए। और पूरे हम जो बर्नर है या पूरा जो हम अपना सामान है वो सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम का नहीं बनवा सकते हैं, ठीक है। सो द ऑब्जेक्ट इज़ मेड फॉर ए चीपर मेटल, तो इसलिए ऑब्जेक्ट जो रखा जाता है वो चीपर मेटल का होता है, उसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है क्रोमियम की, ओवर इट इज़ डिपॉजिट, ठीक है, यानी कि क्रोमियम की कोटिंग करके इसको डिपॉजिट कर दिया जाता है उसके ऊपर। ज्वेलरी मेक्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल, तो जो ज्वेलरीज होती हैं, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं सिल्वर और गोल्ड की, वो भी क्या होती है, लेस एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि मेटल तो किसी और चीज़ का होता है लेकिन उसके ऊपर कोटिंग चढ़ा देते हैं गोल्ड और सिल्वर की। दीज ऑर्नामेंट हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव, ठीक है, ये दिखने में तो बिल्कुल सिल्वर और गोल्ड की तरह रहेंगे लेकिन ये कम एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिल्वर और गोल्ड। टिन कैंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड, टिन कैंस जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं फूड को स्टोर करने के लिए, ये भी किसके द्वारा बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा बनाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है आयरन पे, ठीक है। बेसिकली जो वो बॉक्स है, ठीक है, जो कैन है वो किसका है, आयरन का है, लेकिन इसके ऊपर टिन की कोटिंग कर दी जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि जो फूड है उसके साथ ईजिली कॉन्टैक्ट कर लेता है आयरन और फूड जो है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए टिन की कोटिंग कर दी जाती है कैंस पर उस आयरन की लेयर के ऊपर, ठीक है, जिससे आयरन और फूड जो है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ना आए। आयरन इज़ यूज इन ब्रिजेज एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, और आयरन जो है वो ब्रिजेज और ऑटोमोबाइल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए यूज़ किया जाता है। हाउएवर आयरन टेंड्स टू कोरोइड एंड रस्ट, जैसे कि आप सभी जानते हैं जो आयरन है उसमें बहुत जल्दी से जंक लग जाता है, सो ए कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिट ऑन आयरन, इसलिए कोटिंग की जाती है किसकी, जिंक की, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, कोरोजन और रस्ट फॉर्मेशन को बचाने के लिए, ठीक है, यानी कि जंक लगने से बचाने के लिए। इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री द डिस्पोजल ऑफ यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज़ ए मेजर कंसर्न, ठीक है, तो जो डिस्पोजल होता है जो कि हम कंडक्टिंग सॉल्यूशन का यूज़ कर ले मेजर कंसर्न होता है, क्योंकि इसकी वजह से पोल्यूटिंग वेस्ट एंड देयर आर स्पेसिफिक डिस्पोजेबल गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। और जब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही होती है तो इसके लिए क्या होता है,
प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई है कि किस तरह से आपको ये डिस्पोजेबल वेस्ट को डिस्पोज करना है, क्योंकि ये क्या होता है, हार्मफुल होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी, और ये हार्मफुल पोल्यूटिंग वेस्ट भी होता है इसलिए, ठीक है। तो प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू ही उसको डिस्पोज किया जाता है। अब है कि आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आप जानते हैं कुछ लिक्विड जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, बिल्कुल सही है, और कुछ जो होते हैं वो पुअर होते हैं। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशंस ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो जितने भी आपके लिक्विड्स होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वो ज़्यादातर आपके एसिड होंगे, बेस होंगे या सॉल्ट होंगे। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कंडक्टिव लिक्विड से, वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन कॉज करता है, और जिसकी वजह से केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट को देखना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग ए लेयर ऑफ एन एनी डिजाइन मेटल ऑन अनदर मेटल बाई मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रो प्लेटिंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टूडे। हम कल हम करेंगे एक्सरसाइज आपकी, ये वाला चैप्टर भी आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।